तो हमने भी इस फैन जोन की स्पेशल अनप्लग्ड पॉडकास्ट में करारी टक्कर देने के लिए बुलाया है एंड निखिल पोपट हेलो गाइस व्हाट्सअप व्हाट्स ब्रो ऑल गुड यार सेकंड मैच जीत लिया है एकदम अभी लग रहा है थोड़ा बराबरी का रिटी थर्ड फिलिंग फर्स्ट मैच अपना था यार जीतना चाहिए था कि नहीं रन से कैसे टेस्ट मैच हार रहे यार

तो मतलब इतना हल्का है क्या अपना बॉल अंदाज़ अपना अपना यार मतलब काफी रिलीफ हुआस uh, like उनको विन थे hmm. फिर भी एक मन में लग रहा नहीं था आपको कि यार ये इंग्लैंड शायद कर सकती है यार इवन इफ वी हैव दीज रन ऑन द बोर्ड दिस गेज कैन इट राइट इंडिया डिड नॉट गिव इन टू दैट नैरेटिव i think that's mm -hmm. where the credit goes to ashwin and Bumrah more than skill True. i feel just saying you know what we have the ability to do this and then to execute plans and to not lose their chill right i think that is where i think this win becomes uh, uh, even more special and, and again i do agree with his point k that's a credit to baseball you thought it can be done yeah yeah 399 yeah. any other side day four you'll feel no you're air bol raha but the pitch was also good right yeah? so that makes this yeah? effort even more special

But sure. I think I saw another interview of Broad. And okay. he said okay. that baseball is not just about cricket, it's mm -hmm. about philosophy. So, for example, he's like, you can always start the day by saying, Oh, the weather's shitty outside. I have a side strain. Mm -hmm. And that energy spreads in the team. True. But instead of that, say, Great coffee back at the hotel. I loved it. Wow. I had a good cup of coffee in the morning. Let's go. Let's go. That positivity I, spreads yeah. across the team. But, right. And then they try and do that on the field as well.

तो गुड लक तीन टेस्ट बाकी ऑलमोस्ट टू डिट द क्रिकेट सिस्टम ऑपरेट्स इन इट्स और हम लोग जो बोलते हैं वो हम बोलते रहते हैं एंड दे दे लुक एट व्हाट वी आर टॉकिंग इट बट आई थिंक दे स्टिल वांट टू डू देर ओन थिंग गाइज इनका ये इतना गुड़ी शुड़ी मूड एकदम दोनों अग्री हो रहे हैं एक दूसरे के पॉइंट्स को ये सिर्फ अभी के लिए हम अपने हेड हेड टू सेगमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं तब तक के लिए आप भी एकदम रेडी हो जाइए कमेंट सेक्शन में वोट कीजिए कि आपको किसका वोट ज्यादा अच्छा लग रहा है और नहीं पाए यार यार हमारा ना क्रिक फैन पे ना एक गिव अवेस चल रहा है yeah. आपको तो पता ही है या यू कैन क्योंकि आज के हेड टू हेड सेगमेंट से नहीं मिलेगा बट उनको तो एग्जैक्टली और आज के हेड हेड टू सेगमेंट से आपको सिर्फ वो ट्रॉफी मिलने वाली है उनको मोबाइल टीवी मिलने वाले ऑन तो फिर टॉफी भी इधर रख के अरे इट्स अ सीक्रेट नहीं यार आपको पता है ना <laughs> तो आज का हेड हेड सेगमेंट स्टार्ट करता है तो उसके कुछ रूल्स है ठीक है नॉर्मल हेड टू हेड सेगमेंट है तीन डिबेट्स है तीन टॉपिक्स करने वायरल वेरल हो जाते हैं थोड़ा एनीवेज <laughs> uh, द uh, एक टॉपिक दूंगा मैं रैंडमली एक एक को उसमें यू हैव टू स्टार्ट अगर कोई अग्री कर रहा है तो सामने वाले को डेफिनेटली कर रहा है ओके इट्स अ रूल हम्म या और मैं आपका दोस्त आपका होस्ट मुझे ना आपको बेसिकली मनाना है थोड़ा मैं न्यूट्रल रहूंगा

आई वॉन्ट टू से बुमराह ओके आई वॉन्ट से बुमराह क्योंकि यार यशस्वी ने जो किया है ये इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग राइट उसने जो किया है ट्रेंड फॉर दिस फॉर मेनी ईयर्स ये जो बॉल वाला सीनारियो है ना बैस बॉल वाला इट्स द नरेटिव फॉर दैट इज बैटिंग आप बैटिंग इस तरह करोगे राइट hmm. ऑब्वियसली right? लेकिन हम इंडियंस हैं वी डू थिंग्स आर ओन वे राइट एंड बुमरा विदाउट अ डाउट इतने साल से इज बीन लीडर ऑफ द अटैक एंड ट्रांसेंडेड नाउ टू बिकमिंग बेस्ट इन योर पोस्टर बॉय ऑल सेड एंड डन तो मुझे लगता है इट इज बुमराह हो इज लीडिंग दिस भारत बॉल जो भी बोल लो यार नहीं जैज बॉल अच्छा अच्छा जैज इज फॉर जसप्रीत नाइस नाइस और ड्यू तो देखो सोचने को इनको इनको समय लगा वही आपको पता होता <laughs> है कि ओपन में ही अगर आप सेट द टोन कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आ, बहुत दफा आप देखते हो विद द बैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट प्रेशर बैक राइट तो वो जो जयसवाल ने करा क्योंकि आपको पता है आपका लाइनअप इट्स नॉट एट द बेस्ट बहुत लोग फॉर्म के लिए थोड़े जूझ रहे हैं हुँ. थोड़ा आपको लग रहा है कि कॉम्बिनेशन आगे पीछे हो रहा है तो उसमें फॉर यू टू हैव अ ट्वेंटी टू ईयर ओल्ड टू कम आउट एंड बैट लाइक दैट एंड ऑल्सो ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ मार रहा है वो मार है, रुक रहा है मार है, रुक रहा है तो फॉर अ पर्सन ऑफ दैट एज टू डू इट वेस इंग्लैंड तो मैं तुम्हारा मेडिसिन तुमको ही चखाता हूं चखो कैसा लग रहा है तो इसके लिए आई थिंक जयसवाल डेफिनेटली फॉर जयसवाल ना जयसवाल फॉर Test match. <laughs> yes, yes. If you don't take 20 wickets to win a Test match, you're done for.

<laughs> तो क्या लास्ट लास्ट एक एक पॉइंट वॉट डू थिंक नहीं जयसवाल सेट द टोन राइट अप टॉप वो होते फिर आप अटैक कर सकते हो hmm. अगर आप डेढ़ सौ दो सौ पे अगर आउट हो जाते तो फिर आप कितना भी ट्राई कर लो प्रेशर बोलिंग पे बहुत ज्यादा hmm. hmm. तो आई थिंक जयसवाल सेट द टोन फॉर मी इन दैट सेंस जयसवाल को अभी कुछ साल और है टू बिकम वॉट ही कैन बी अभी तो ही इज जस्ट स्क्रैच द सर्फिस ट्वेंटी टू ईयर ओल्ड बैस बॉल is named after McCallum, the, head coach. Right. The, head coach, the 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 head head coach, coach, captain set च दैप्टन सेट द right? They decide how things grow in a philosophical way or whatever. तो मेरे हिसाब से फॉर जयसवाल विल इन्फ्लू इंडिया फिलोसॉफी लेकिन चार लाइन थोड़ा टाइम है थोड़ा टाइम है थोड़ा टाइम लगेगा अभी तो बुमरा इज रूलिंग द रोस्ट ओके सो जयसवाल जसप्रीत आपके हिसाब से 100% ओके गाइस टाइम्स अप फर्स्ट क्वेश्चन के लिए एंड आई हैव टू से कि इसमें मेरा कुछ ओपिनियन नहीं था बट काफ़ी ज़्यादा मुझे मज़ा आया बट द थिंग इज़ कि ये कैसे जै जैसवाल के आने तक जैसवाल था नहीं बुमरा पहले से था बैसबॉल जब भी था हमने एक वन आउट टेस्ट खेला था तभी सिर्फ बैसबॉल था बट जयसवाल के आने के बाद है जैस बोल, जैस बोल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है सो फॉर दैट रीजन और आपका एक्सप्लेनेशन जो बैक किया गाइस गर yes, yes, yes. मी फर्स्ट राउंड का विनर इज यार इंडिया ने कैसे आप भी कर सकते हो सेकंड क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन का स्टार्ट बेटर प्योरली फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड और वो चेंज कर रहे अप्रोच इन टर्म्स ऑफ हाउ द साइड टू प्ले रोहित बहुत ज्यादा यंग है इन टेस्ट एक्सपीरियंस पब्लिक बोले कि बहुत टाइम से कैप्टन है बट अदर फॉर्मेट्स में टेस्ट में पंद्रह से कम टेस्ट कैप्टन करे तो थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा उनके लिए स्टोक्स जो फिलोसॉफी के साथ आ रहे जैसे उन्होंने थोड़ी देर पहले मस्त अच्छा ऐसे दे दिया अपने को इन टर्म्स ऑफ ऑफ बॉल इज एंड हाउ इट्स फॉर फॉर पीपल हु आर आउट फॉर्म जैक रेहान अहमद जैक लिच इनके साथ कौन इंडिया टूर करता है भाई लोग पब्लिक ऑल ऑलराउंड बाहर बाहर से ढूंढ के निकालते भाई अनरिटायर हो जाए वापस आ वापस आ इंडिया आने के लिए बट फॉर हिम टू हैव दैट फिलोसफी

Virat uh, and Virat's obviously still a question mark. Mm -hmm. While all of this is happening, there is a situation going around with the other setups and other formats also. Still to pull off this result. Okay. the he one captain overall captain. But still, better test captain at this moment. Yeah. So one test captain, yeah. Haan, test captain. Na, test captain. <laughs> you think Stokes' ke bhi? Pehle, like Stokes' bhi, overall be like Rohit Sharma I think he's a more well-rounded captain. Okay. स्टोक्स के पास आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में कुछ लेवरेजेस है जो वो अच्छा यूज करता है नो डाउट बट आई थिंक इफ यू लुक एट रोहित ओवरऑल वी आई येट टू सी हेम ऑब्वियसली कैप्टन इन सम कंडीशन अभी तक हुआ नहीं है होगा एंड आई थिंक बी सक्सेसफुल देअर ऑल्सो बट आई थिंक दी एक्सपीरियंस डेट रोहित हैज करंटली राइट ऑल दीज इज ऑफ एक्सपीरियंस फैक्ट दैट इज मेड अ लेट राइज इन टू टेस्ट क्रिकेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टरली कम्स इन तुरंत कैप्टन बनते हैं और द रिक्ड इज प्रोमिनल नंबर्स तो आप बोल दो गे यार नंबर्स एक्चुअली घर पे नहीं बोलना चाहिए टोटल चार लॉस है घर पे दो हैबाउट जजिंग रोहित एज ऑफ नाउ एज एट अभी समय है और हमें भी उनके साथ पेशेंट रहना चाहिए

राइट मिडल ऑर्डर में इतनी परेशानी हो रही है हम सोच रहे पाटीदार यू you नो know, सरफराज श्रेयस के एल कॉम्बिनेशन नहीं पता उसके बीच में जड्डू इंजर्ड हो जाते हैं जो इतने रन बना रहे हैं तो ये सब मैनेज करना

फिर ये सब आइडिया जाके देंगे पैट कमिंस को ऑफिस के जब ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड आएगी तब ये कर, तो ये जगह right. तो स्टोक्स के पास वो एडवांटेज है राइट मेकिंग पीपल थिंक एंड चेंज तो एज ऑफ नाउ जस्ट फॉर दैट रीजन और वो अभी तक वर्क कर रहे नहीं. चार सौ सोच रहे थे हम बन जाएगा सो आई फील जो नैरेटिव चल रहा है सब लोग बोल रहे हैं चांस टू बीट इंडिया इन इंडिया द होल सीरीज

फिलहाल मुझे इस क्वेश्चन को सेटल करना है एंड गाइस भले ही ऐसा लगा होगा कि uh, मतलब स्टोक्स वन साइडेड अफेयर लग रहा है टू जीरो तो उन्होंने अनाउंस भी कर दिया था बट गाइस आई थिंक फॉर मी ये एक स्टेटमेंट की वजह से ये ड्रॉ होता है ओके okay? एक स्टेटमेंट की वजह से ये ड्रॉ करूंगा निकल आए मेरे को रिव्यू चाहिए एक एक्सप्लेन कि स्टोक्स के बाद आए लाइक रोहित शर्मा इतना लेट टेस्ट में आके अगर इतने जल्दी उठ उठ सकते हैं सो आई थिंक ये एक लाइन से मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा का ना स्टेटन होता है कोहली से डिस्पाइट ऑल द चेंजेस चेंजेस इतनी सारी हो रही है टेस्ट हाँ, सेटअप में तो तो उसमें रोहित शर्मा का मतलब इवॉल्विंग तो है आई अग्री आई अग्री कि उसके फील्ड प्लेसमेंट अटैकिंग नहीं थे और थोड़ा वन डिरेक्शनल था बट फर्स्ट टेस्ट और सेकेंड टेस्ट में मैं इतना ध्यान से देख रहा था ना तो मुझे वो उसके कैप्टनशिप में ही मुझे लाइक लिटरली फर्क दिखा हाँ. तो so, उसके लिए लाइक यार एक को दे ही सकते डू थिंक अग्री ठीक है राइट ड्रॉ तो देते है, तो अच्छा <laughs> <laughs> okay, तो है आप कमेंट्स में बताइए गुड टैक्टिकल कॉल था कि मैं बच गया ओके एनी वेज फाइनल आज का फाइनल क्वेश्चन की तरफ जाते हैं अरे तो सेटल कैसे करूं यार चलो ठीक है head या यू हैव टू यार एंड हमेशा हाई करना done. चाहिए राइट right? करते हैं स्टार्टिंग श्ट, में हारते सब एंड हमें हाई करना राइट ओके right? okay. तो ये सवाल मैं आपसे शुरू करूंगा hmm. इसका रीजन आपको समझेगा क्यों Achha. क्योंकि इसका आंसर का एक झलक आपने एक ah. एक्सप्लेनेशन में ah. एक ah. एक ah. दे दिया ऑलरेडी इसलिए मैं आपसे शुरू करूंगा डन द क्वेश्चन इज इन द एबसेंस ऑफ ऋषभ पंत hmm. क्या ईशान किशन इंडिया का बेस्ट कीपर हो सकता था ये yes सर no? हो सकता है अभी भी अभी भी हो सकता है आई फील आजकल कीपर का रोल सिर्फ ग्लव वर्क तक लिमिटेड नहीं है uh, जो रिसेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं आजकल राइट इट्स वेरी क्लियर दैट यू आपको टॉप ऑर्डर चाहिए स्टेबल सॉलिड लेकिन मिडिल ऑर्डर में आपको बैटर्स चाहिए जो रन क्विकली कर सके आपको कुछ सेशंस मिलते हैं टेस्ट क्रिकेट में जहां आपको ना बहुत एक्सेलरेट करना पड़ता है एंड uh, जो शॉर्ट मेकिंग एबिलिटी है ईशान किशन की अगर आप कंपेयर करें उस ब्रैकेट में जो प्लेयर्स हैं राइट

से इतनी बार हो रही है, दूसरे बॉल पे नीचा के छक्का मारा सब लोग नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते सो आई थिंक वो पैकिंग ऑर्डर में आई वुड से खेल राहुल बेटर ऑप्शन और हमने देखा भी साउथ अफ्रीका में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाएगी खेल रहा हूँ लोग

keeping karna for the spinners for fast bowlers is not going to be an easy task for him unfortunately as much as i matlab, ne move kiya, to move to middle order i, I salute rahul for that yeah. not an easy thing to do Because it's also awareness right Aapko pata ki, top order in itna competition hai, right he said fine even if i am kl rahul i'll accept it and i'll play in the middle order he clicked yeah so kudos to him on that but unfortunately because of his injuries i don't think he can keep in tests को हमने चांसेस काफी दिए हैं जीरो आई मीन इवन दो ए के लिए उन्होंने हंड्रेड बनाए वर्सेज इंग्लैंड लाइन जस्ट बिफोर दिस अनफॉर्चुनेटली वो ट्रांसलेट नहीं हो पाए। फिलहाल एंड कितने सिचुएशन में हम पहुंचे हैं जहां पे यू नो वी वो फोर डाउन फाइव डाउन एंड इट वॉज नेसेसरी फॉर दैट बैटर टू स्कोर दो रन ट्रू उस सिचुएशन में यू नीड समबड़ी टू गिव यू दैट एक्स्ट्रा बैटिंग आई थिंक ग्लव वर्क इज अंडर डू बेटर एंड आई थिंक यस ही इज ही इज देयर इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम आई थिंक जब उनको बेटर लगेगा मेंटली एंड वी रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट दट इजिंग अ ब्रेक प्ले ऑफ यू गेम्स कम बैक इन टू द सेटअप बट थिंक ही ईशान ने खुद का स्पॉट खुद से ही गवा दिया लाइक ही इन इन द साउथ अफ्रीका अ वेरी गुड थिंग टू मेक इट नॉर्मल टेक ब्रेक बढ़ा uh, okay. yeah, yeah, yeah. yeah. uh, दूंगा मैं आपको ठीक है <laughs> मुझे, मुझे उसका अभी तक कंक्लूजन मिलाइन कम बैक टू दिस और खेल के साथ देखो आपको एडवांटेज भी मिलता है

बहुत कॉन्फिडेंस है सब है बट वी आर दैट इंडिया ए रणजी और इंटरनेशनल में फर्क बहुत है देर इज अग गैप एंड दैट ओनली यू यू टेक टाइम 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 नीड टू स्पेंड स्पेंड इन द सेटअप है ध्रुव जुरेल कर राइट ही इज नॉट प्लेइंग लेकिन वो है सबके साथ यू नो एक्सपीरियंस कलेक्ट कर रहे हैं इवेंचुअली ही गेट इज चांस बट आई थिंक इफ यू वॉन्ट अ रिप्लेसमेंट राइट नाउ ईशान आई होप इज इन अ बेटर प्लेस गोज एंड प्लेज वन और टू गेम्स Remember, he's captain Jharkhand last year as well. He's yeah. played Ranji Trophy. Baat nahi hai. It's just now. It's just now. So I think if he's in a better place, go play Ranji Trophy, come back. Yes, he is the best possible option. What do you think? Again, it is only hoping, hoping, hoping for a risk. Lene ka. That is what is stopping India from winning big days. But we are far too conservative, even in those middle overs, in the final. और Arshvind, क्योंकि हमने नहीं करा था तो इस बड़े प्लेयर को लेके जाना लेने से डर लग रहा है दो हजार सात आपने जो कि देर का रिस्क लिया दो hmm? हजार ने वो रिस्क लिया दो ईशान शर्मा की ओवर का रिस्क लिया यू हैव टू बी रेडी टू लूज टू विन बट रिस्क इज डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्क ओके This is about one role. No, I, this this is a great philosophical angle to it. I agree on the philosophical angle to it, but I have to reiterate if you look at the numbers. Huh. Um aap jo runs banate, ho, you know, from lunch to end of days play are good, are very, very crucial. Okay. It's super super important that of course you have to survive the new ball, Anderson, 34-2 and all. After that, right, how do you play those overs becomes very important.

ओके okay. <laughs> तो फिर एज ये क्वेश्चन था कि एट द करंट पॉइंट अभी ऋषभ पंत के एब्सेंस में ईशान किशन उसके आइडियल है कि नहीं तो इसका आंसर अभी तो जो कुछ भी हुआ सीनार जो भी चल रहे द्रविड ने क्लियर कर दिया कि थर्ड और थर्ड फोर्थ के लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि उन्हें पहले डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा इसलिए आई एम मेरा ओपिनियन थोड़ा इंक्लाइन हो रहा है कि ऋषभ पंत का रिप्लेसमेंट आपको नहीं मिल पाएगा थोड़े टाइम के लिए करेंट के लिए क्योंकि लाइक यू कैन नॉट इवन कंपेयर बट अगर कंपेयर करना है तो क्लोज आता है तो वो तो ईशान किशन ही आ रहा था एक ही बैच के अंडर 19 के एक दूसरे में म्यूचुअल रिस्पेक्ट दोनों का दोनों का गेम स्टाइल थोड़ा सिमिलर ऋषभ पंत के बैट से ईशान किशन का खेलना दोनों का ऋषभ पंत के एक्सीडेंट पे ईशान किशन का एकदम इमोशनल होना एंड ना और उससे मिलने जाना एंड ऑल सो दोनों का रिलेशन से इज अ लॉट एकदम इट गोज़ हैंड इन हैंड बट एट दिस पॉइंट आई so, कि ऋषभ पंत का कोई रिप्लेसमेंट इंडिया के पास है इसीलिए चांस ही नहीं है इसलिए आपका चांस बन गया और आप जीत प्लीज डू ऑनर्स दे दीजिए वो न्यू ट्रोल बोला था फोटो निकाल लीजिए फिर से यहाँ पे जाने वाला है वो बट इस What was your point? <laughs> 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 so, your point was there is no replacement. No, I would rather take that risk with KL. Huh.

नहीं एक्चुअली सी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल पेपर जैसा में बोला आई अग्री विद ग्रेट लाइन ऑफ थॉट बट माय ओनली प्रॉब्लम इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देन यू आर नॉट रिवॉर्डिंग एनी डोमेस्टिक परफॉर्मर आप बोल रहे हो नंबर तीन लिए कौन से तो अपना नंबर तीन पे आ जा। हाँ। को कीपर कौन चाहिए तो दूसरे फॉर्मेट में अच्छा कर रहा था राइट सिग्नल कि भाई you know, तो फिर आप रंजीत ट्रॉफी yeah. बंद ही कर दो ना यार hmm. आप ओपनर भी ओपनर कहीं और से देयर हैव बीन साइसुदर्शन एंड परफॉर्मर्स फेल, बट वर 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 या। लेकिन जगह ही नहीं है कौन खेलेगा True. इसके लिए मेरे पास बेस्ट क्वेश्चन है क्या इतने इतने उतार चढ़ाव के बाद क्या संजू एम एस धोनी जैसी स्टोरी बन सकता है किशन वॉज आउट ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी उसको तो रन लाइक देव गिवन यूर रन ही प्लेड अ फ्यू गेम्स राइट आई थिंक इन द लास्ट टी ट्वेंटी सीरीज कुछ सीरीज में उसको चांसेस मिले हैं जो

I hope yeah, that I think yeah. to side with the selectors on this. I think a progression rahe, mm. right. You start off with T twenty cricket ah. and then you move to a format right. So I I like that progression a lot. Right. You you they look at you in the IPL. They look at you in Sayyad Mustakali. If you are you T twenty for India. From you go to the format that requires a player. True. Rinku Singh is an example, right? Tilak Verma is an example. I like that progression a lot. I oh. good <laughs> or debate or, I don't <laughs> like that progression Because Mukesh is a red ball bowler I you started okay. him with White ball form Haan. Mukesh Correct yeah, Mukesh one is of is the, the, the rare bowlers Who is playing all three formats khel There Haan. will be speci There will be people Who are specialists For sure You Haan. keep them aligned Haan. Haan. But you also need generalists I think um, That maintains The consistency of a side okay. It maintains For example them. Australia Yeah th There are certain no, Again Denho, Every side has had a Set of players who are very specific to a particular format only True And again, the point here is no, For no, uh, example, now Surya, just say, T20 my, my, specialist uh, like T20 I do not debate the having separate pools That's uh, fine I'm only talking about progression How do you introduce players to international cricket? That is exclusive. fine I'm happy with ed the it's, way you want to get uh, them into All this format plays very difficult yeah. Come uh, on, uh, like uh, we've seen players struggle Don't want to take names But there are some players who are there एंड देर बट ये बोल रहा हूँ the yeah. आप, आप इतना, इतना खेल रहे हो mm -hmm. सब फॉर्मेट नहीं खेल पाओगे rest, अभी जयसवाल को उन्होंने टी ट्वेंटी खेल रहे तो ओडिया जो खेल ही सकता है डिटर ऑफ क्रिकेट रोल इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर इंडिया

लेट्स अज्यूम इन्हें ट्रॉफी मिल गई है आपको पता है ना गीवेवस के लिए क्या करना है क्रिकफैन डॉट कॉम और हमें बताइए कमेंट्स में भी कैसे आपको एपिसोड लगा तब तक के लिए हमारे ना ज़रा डिबेट्स ना खत्म ही नहीं हो रहे तो हम ना ऑफ द कैमरा हम डिबेट्स चालू रख रहे हैं ठीक है एंड ठीक है सिया बाय 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 गाइज बाय